ये बताओ सॉल्ट की पीएच कितनी होती है? हाँ डिपेंड सेवन होती है? नहीं, हमेशा सेवन नहीं होती, डिपेंड करता है सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से बना है। तो सॉल्ट तीन तरह से हो सकते हैं, तीन ही चार तरह के हो सकते हैं। एक तो सॉल्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, एक सॉल्ट हो सकता है करता वीक एसिड वीक बेस का। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है उनकी पीएच 7 होती है। जो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है उसकी पीएच बता नहीं सकते कितनी होगी, वो एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड, उसका फॉर्मूला ही होता है पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। तो के और के बी पे डिपेंड करेगी उसकी पीएच, के कितना के बी कितना, ठीक है ना। फिर होता है है। हाँ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका फॉर्मूला होता है वो बाद में बताता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो मतलब एसिडिक पार्ट ज्यादा हो गया ना, तो उसकी पीएच क्या होगी? लेस देन 7 होगी, ठीक है ना बात है? फिर क्या होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक है, तो पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7। समझ में आ गई बात है? तो आपको चेक करना पड़ेगा सॉल्ट किस एसिड और किस बेस का बना हुआ है, इसकी पीएच का फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना, तो इसका जो पीएच होता है ना, इसका फॉर्मूला ही होता है पीएच इज इक्वल टू, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। तो आप देख सकते हो पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी इसकी वैल्यू 14 होती है। तो 14 में से कुछ माइनस ही कर रहे हो, मतलब 7 से कम हो जाएगा ये, ठीक है ना। और पीएच ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला होता है हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, मतलब आप कुछ ऐड कर रहे हो प्लस लॉग सी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो पी के डब्ल्यू 14 होता है, 14 में कुछ ऐड कर रहे हो तो फिर उसके बाद हाफ करना है, मतलब 7 से ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो खैर इस ये जो है क्वेश्चन पूछा है ये आपको फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ये वाला, इसमें तो आप सिंपल क्वालिटेटिव एनालिसिस ही है। एक बात और ध्यान रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं ये आप याद रखना, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, देखो ये याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड ये होते हैं हाँ HCl, और देखो अगर एच सी एल बोला है ना तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा एच बी आर और एच आई, क्योंकि एच बी आर और एच आई तो एच सी एल से भी स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ, एच बी आर और एच आई की बॉन्ड लेंथ तो एच सी एल से भी ज्यादा होती है। देखो ये टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूं मैं, एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई, इसमें क्या डाउन द ग्रुप इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो एच प्लस को तोड़ना आसान हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है। तो अगर एच सी एल एसिडिक है तो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे ही हो जाएंगे, एच एफ वीक एसिड होता है, तो तीन स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो गए, और कौन से हो गए? H2SO4, HNO3, HClO4, पर क्लोरिक एसिड, ये पर क्लोरिक एसिड होता है, ये याद रखना, छह आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा आपको कोई दिख जाए उसको वीक मान लेना। समझ में आ गई बात? स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? ग्रुप वन और ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है ना। ग्रुप वन में कौन आता है? सोडियम, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, लिथियम भी नहीं होगा, लिथियम का हाइड्रोक्साइड वीक होता है, सोडियम पोटासियम रुबीडियम सीजियम, फ्रेंशियम तो रेडियक्टिव होता है, स्टडी नहीं करते। तो ग्रुप वन में लिथियम को छोड़ दो, बाकी सारे हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ग्रुप टू में मैग्नीशियम को छोड़ दो, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो उसके नीचे सारे, बेरिलियम को छोड़ दो मैग्नीशियम को छोड़ दो उसके नीचे, ठीक है ना। तो नीचे उसके कौन आता है? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम से शुरू होगा, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके ये है बस, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। प्रिडिक्ट इफ सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट आर न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक, आपको बताना है कि इसकी पीएच 7 होगी, लेस देन 7 होगी या मोर देन 7 होगी। तो एनएसीएल का बताओ पहले, 7 होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। किस किस का सॉल्ट है? एनएच और
HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसकी पीएच तो 7 होगी, न्यूट्रल होगा ये। केबीआर, केबीआर किससे मिलके बना? केओएच और एचबीआर से। केओएच एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एचबीआर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी करा ना हमने, एचबीआर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों क्या होंगे? न्यूट्रल। एनएसीएन कैसे बना? एनएओएच और एचसीएन से। एनएओएच तो स्ट्रॉन्ग बेस है, एचसीएन क्या है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा सोल्यूशन, ग्रेटर देन 7। अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक पीक बेस है, और नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक हो जाएगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। NaNO2 कैसे बना ये? NaOH और HNO2 से। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना NaOH तो, और HNO2 क्या है? वीक वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये क्या हो जाएगा? है। बेसिक हो जाएगा। KF कैसे बना है? KH और HF से। KH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। HF क्या है? वीक एसिड, तो ये बेसिक। स्ट्रॉन्ग HF तो एसिड है ना, वीक एसिड है। HCl, HBr और HI ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, HF थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF वीक एसिड है, तो ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HF वीक एसिड, तो ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? ठीक है,